इसके अलावा बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बारढ़ा उपमंडल के गांव में बीजेपी विधायक सुखविंद्र मांडे पहुंचे और विपक्षियों पर सुखविंद्र मांडे की ओर से हमला बोला गया। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की बात को लेकर कहा कि अब जाके सभी एक हो जाए तब भी बीजेपी को कोई असर नहीं होने वाला। इसके साथ ही सुखविंद्र मांडे ने कहा कि 2014 के चुनाव में बेईमानों को हटाने का काम किया गया था, अब बेईमानों को खत्म करने का ये चुनाव है। आज 239 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ के ऊपर ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम किया है। इसी कड़ी में आज हम इस गोपी गांव में यहाँ पहुँचे हैं। सभी कार्यकर्ता, हमारे मंडल के अध्यक्ष और पूरी हमारी टीम इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल है। देखिए, आज देश की जनता भली भांति जानती है जिन लोगों ने 70 वर्ष तक इस देश को कुशासन देने का काम किया और आज जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है कि 2014 का जो चुनाव था वो बेईमान को हटाने का था और आज बेईमानों को पूरी तरह मिटाने का चुनाव है। तो ये सारे अगर एक हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं बननी और पूरा देश, पूरी जनता इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की जो सरकार हमारे केंद्र में 5 वर्षों से जिसने काम किया है, इसने देश की राष्ट्रीय सीमाओं को तो मजबूत किया ही है, इसी के साथ साथ इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक पूरी तरह से मिले ये सुनिश्चित करने का काम किया है। आज देश की पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग और आधे से ज़्यादा आबादी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस बार हम 300 पार का लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी अवश्य पूरा करेगी।